भारत समेत दुनिया के किस किस देशों में कितने हैं कोरोना वायरस के मरीज। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है और नए नए देशों से भी लोगों में कोरोना वायरस के टेस्ट पॉजिटिव आने की खबर लगातार मिल रही है। भारत में भी अब तक 73 लोगों के कोरोना वायरस से ग्रस्त होने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि चीन, दक्षिण कोरिया, इटली और ईरान में हजारों लोगों के कोरोना वायरस से ग्रस्त होने की पुष्टि हुई है। चीन में तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस की चपेट में आकर 3,169 लोग मौत का शिकार भी हो चुके हैं। इटली में भी अब तक 827 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस का डर इस कदर फैलता जा रहा है कि बाजारों से हैंड सैनिटाइजर और मास्क खत्म हो जाने की खबर भी लगातार मिल रही है और हर शख्स ये जानने की कोशिश कर रहा है कि उनके मोहल्ले, इलाके, शहर या पूरे देश में कितने लोगों को कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है। यहाँ आप दुनिया के उन सभी देशों के नाम जान सकते हैं जिनमें कोरोना वायरस के कन्फर्म केस सामने आए हैं। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की पुष्टि तादाद और उसके शिकार होकर जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बताने वाली ये जानकारी चैनल न्यूज़ एशिया के आंकड़ों के आधार पर अपडेट की गई है। आइए अब जानते हैं कि किस देश में कितने लोगों को कोरोना वायरस की पुष्टि हुई और कितने लोगों का मृत्यु हुआ है। तो शुरुआत करते हैं चीन से। चीन में 80,793 कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 3,169 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह इटली में 12,462 मामले सामने आए हैं, जिसमें 827 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह तीसरे नंबर पर ईरान में 9,000 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई, जिसमें 354 लोगों की मृत्यु हो गई। दक्षिण कोरिया में 7,869 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि, जिसमें 60 लोगों का मृत्यु हो गया है। फ्रांस में 2,281 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 48 लोगों की मौत हो गई। स्पेन में 2,277 में 54 लोगों की मौत हो गई। जर्मनी में 1908 लोगों को कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1300 कोरोना वायरस के मामले पाए गए, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई। क्रूज शिप डायमंड प्रिंसेस 696 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। स्विट्जरलैंड में 652 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह जापान में कुल 568 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा दुनिया भर में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और इसका इलाज और एहतियात करना हर इंसान को ज़रूरी है और अपने आप को बचाए रखना हर इंसान का फ़र्ज है। वैसे अब तक भारत सरकार ने भी देश में कोरोना वायरस के 73 मामलों की पुष्टि कर दी है। देश के कुल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 56 भारतीय तथा 17 विदेशी नागरिकों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में 6, हरियाणा में 14 विदेशी नागरिक, केरल में 17, राजस्थान में 1 जिसमें विदेशी 2 नागरिक है, तेलंगाना में 1, उत्तर प्रदेश में 10 जिसमें 1 विदेशी नागरिक है, लद्दाख में 3, तमिलनाडु में 1, जम्मू और कश्मीर में 1, पंजाब में 1, कर्नाटक में 4 और महाराष्ट्र में 11। इस तरह कुल 56 मामले जो भारतीय नागरिक है और उसमें कुल 17 नागरिक जो विदेशी है, ऐसे कुल मिलाकर 73 मामलों की पुष्टि भारत में की जा चुकी है। ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ 14 से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।